मेरे रोजे चल रहे हैं, अभी रोजा खोलने जा रही हूँ मैं। वालेकुम सलाम। किधर? बिल्कुल दुबई से मैं आई हूँ और अभी वापस दुबई जा रही हूँ। बोलिए। ताकि जी अच्छे लग रहे हो। अच्छे लग रही हो क्या? हाँ, पूरे कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। दुबई जाने के बाद मुंबई को कितना मिस करते हो? मुंबई तो मेरी जान है, मैं बहुत मिस करती हूँ। बट 13 मई को दुबई में डांस कॉम्पिटिशन है बच्चों का, तो वो थोड़ा ज़रूरी होता है और मैं वहाँ पे रियलिटी शो बना रही हूँ बहुत बड़ा, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले सब में बहुत बड़ा रियलिटी शो बन रहा है वहाँ पे, और प्रोडक्शन मेरा है। बट वहाँ पे स्पॉन्सर्स वगैरह वो सब दूसरे हैं वहाँ पे। इस बार अच्छी बात है, एंड आई एम सो हैप्पी कि अब मैं भी रियलिटी शो में कूद रही हूँ, रियलिटी शो में मैं कूद रही हूँ और रियलिटी शो बना रही हूँ। उस रियलिटी शो का आप ही जज करोगे क्या? हाँ, उस रियलिटी शो का आप ही जज करोगे? मैं एंकर करूँगा, मैं एंकर और कॉन्सेप्ट उनका है जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी सब दोस्त है ना उनका। इस बार ईद कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? आई वांट के ईद मैं मुंबई में सेलिब्रेट करूं और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द मैं उमरा भी जाऊंगा, मेरा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बन गया। ईद की शॉपिंग हो गई है आपकी? इतना आपके लिए हॉर्न मार रहे, हॉर्न पे हॉर्न मार रहे, इनको सब्र नहीं है। काम करो, बुलेट ट्रेन में चले जाओ, मोदी जी ने बनाई है ना बुलेट ट्रेन, उसमें चले आगे जाओ, ट्रैफिक मत करो, आगे जाओ, ट्रैफिक मत करो मुझे देखकर, आगे जाओ। भाई इस पर गुस्सा आता है, पीछे से पूं पा पूं पा पूं पा बज रहा है। देखो देखो, आप देख रहे हो? देखो ये जानबूझ के मुझे देखकर वहां बजाते हैं, गुस्सा आता है मुझे। ताकि आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है, इस बार आप किस तरीके की ड्रेसिंग करने वाली है? मैं ईद में डेफिनेटली आप लोगों को मिलूंगी। हाय, ईद में आप लोगों को मिलूंगी मुंबई में और डेफिनेटली मैं पहली मेरी ईद है, पहला रोज़ा है, ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया है, बट इंशाल्लाह मुझे खुदा ने इतना ताकत दिया है, मैं एक दिन भूखे ना रहने वाली लड़की, एक दिन भूखे ना रहने वाली लड़की। क्या देख रहे हो? चलो जाओ आगे, आगे जाओ, ट्रैफिक मत करो। क्या देख रहा, आंखें फाड़ फाड़ के मुझको भैया, देखा नहीं है क्या? हाँ, लड़की नहीं देखी क्या इन लोगों ने? इतनी खूबसूरत नहीं देखी। हाँ, इतनी खूबसूरत नहीं देखी। तो जब खूबसूरत कहते हो तो मेरी नजरें थोड़ी झुक जाती। तू कहाँ लेके जा रही है मुझको? कितने दिन के बाद आया? रोजा खुलवाने लेके जा रही है। ताकि इस बार इफ्तारी के लिए लेके जा रही मेरी फ्रेंड शर्लिन ने कहा कि इस बार वो भी रोजा रखने वाली है। और कुछ? मैं अभी 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 खत्म होने आई है रोजे, मेरे पूरे रोजे हो गए। वो बोल रही है मैं भी एक रोजा रखूंगी और कैसे इफ्तार करते हैं सब कुछ। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी लड़की है आपकी भी, बहुत सुशील और अच्छी लड़की है ना। सब लोग अच्छे, सब अच्छे हमारे लिए, सब अच्छे। आपके बीच में और सरीन के बीच में अभी कुछ दिन पहले कुछ हुआ, वो इंटरव्यू में बोला तुम्हार इधर खाएगा कि उधर के तुझे अंदर खुपचे में ले चलूं? ये वही लड़का है जो हमेशा क्वेश्चन करता है, सेम गाय। तुझे खुपचे में ले चलूं? नहीं नहीं, घोड़ा लूं? हां, वही लड़का है। तुझे घोड़ा लूं? ऐसा धो, ऐसा धो कि तेरा वॉशिंग मशीन की पूरा वॉशिंग मशीन घूम, ऐसा 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 घूमता रह जाएगा। ऐसे सवाल नहीं करते। चलिए, थैंक यू। हमारे तैयारी करना है भैया, हमको छोड़ दो, तैयारी करना। आपका मीडिया से थैंक यू। एक और ड्रेस भी लेनी है भाई। गाड़ी किधर है?
गाड़ी किधर है? गाड़ी चल किसकी बाइक है? मैं बाइक में चली जाती हूँ। ऑटो भैया, भैया ऑटो। किसकी बाइक है? वो मैं भी। मैं क्या कह रही हूँ यार, भीड़ क्यों है? अपने लिए नहीं है, अपनी गाड़ी का। उधर साइड में लगा सकता था ना, दो सेकंड। वो देखिए ना, पीछे वीडियो बना रहे लड़के। इस तरफ से दबाए क्या गाड़ी? वो क्या, वो बुड़बक है। चल ए हट। अरे